नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10,000 प्रशिक्षुओं के बीच ऑफर लेटर का किया वितरण। चांडिल बांध डैम प्रशासक डिवीजन 2 के तहत 3-3 रेडियल गेट 1-1 मीटर खोले जाने से खरखाई और स्वर्णरेखा नदी में उठ रहा उफान। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन ने एक बार फिर ट्रेलरों के भाड़े में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर आंदोलन करने की घोषणा की। और डिमना मुख्य सड़क किनारे खड़े टाटा एस गाड़ी की हुई चोरी, पुलिस जांच में जुटी। खबरें अब विस्तार से। कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला सह ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम में पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। चाईबासा स्थित टाटा कॉलेज के मैदान में आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर रोजगार मेले का शुभारंभ किया। मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री जोबा मांझी, मंत्री बन्ना गुप्ता और सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा, सदर विधायक दीपक बेरवा, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति, चकधरपुर विधायक सुखराम उरांव और विधायक समीर महंती, विधायक संजीव सरदार, सविता महतो मौजूद है। इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा नियोजन अधिनियम 2021 व नियमावली 2022 के प्रभावी होने के उपरांत सिंहभूम प्रमंडल के अंतर्गत निजी क्षेत्रों में बिरसा योजना अंतर्गत झारखंड कौशल विकास मिशन तहत संचालित विभिन्न कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षित स्थानीय 10,000 प्रशिक्षुओं के बीच ऑफर लेटर का वितरण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अपने पैरों पर खड़ा रहिए और मजबूत बनिए। हमारी सरकार ने गरीबों को हरा कार्ड दिया ताकि उनको भी राशन मिले। वहीं केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आज स्थिति ऐसी है, गरीब और गरीब हो गए हैं। आज देश में कर्ज काफी बढ़ गया है। भारत सरकार काफी कर्ज ले रही है, इसलिए अपने आप को आप लोग मजबूत करें, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे लोगों ने इस राज्य को खून से सींचा है। सभी पंचायत में हम लोग दवा दुकान खोलने जा रहे हैं, प्रखंड स्तर में स्टेडियम हम लोग बनवा रहे हैं। वहीं हमारे विकास कार्यों से विपक्ष के लोग परेशान हैं कि इस राज्य में भी कई संस्थाने हैं जहां हमारे नौजवानों को स्थानीय रूप पर कैसे रोजगार से हम जोड़ पाए। इसके लिए हमने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत स्थानीय प्राइवेट कंपनियों में और कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले जितनी भी कंपनियां हैं और 40,000 से कम तनख्वाह वाले जितने भी पद हैं, उन सभी को मिलाकर उन कंपनियों को 75% स्थानीय लोगों को रखने का हम लोगों ने कानून बनाया। उसके बाद ये पहला घड़ी है जहां प्रमंडलीय स्तर पर लगभग 10,000 युवाओं को आज हम रोजगार से जोड़ रहे हैं। आज आप किसी कंपनी में, किसी प्राइवेट संस्थानों में जाएंगे, इसके अलावा हजारों की संख्या में तो सरकारी नौकरियों का भी विज्ञापन निकला पड़ा है, आप उसमें भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। आज चारों तरफ हमने रोजगार का दरवाजा खोल रखा है। आज पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी, जो कम पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उन सब को भी रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने अलग अलग योजनाएं बना रखी हैं। इधर चांडिल बांध डैम प्रशासक डिवीजन 2 के तहत आज 3 रेडियल गेट 1-1 मीटर खोला गया। रेडियल गेट खोले जाने से खरखाई और स्वर्णरेखा नदी में उफान उठ रहा है, जिससे कोल्हान पूर्वी सिंहभूम जिला के कई क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। सरायकेला खरसवा जिला बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बनाए गए चांडिल डैम, जो 22,000 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है, यहाँ जलाशय में केवल मात्र मछली उत्पादन और नौका विहार होते हैं,
जिसके लिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्य से पर्यटक पहुंचते हैं और नौका विहार में बोटिंग करते हैं। जिसके लिए चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति द्वारा मछली और नौका विहार संचालक करते हैं, पर सरकार को रेवेन्यू ना के बराबर है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के एकमात्र डैम है जिसकी देखरेख में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन आज तक विस्थापित हुए परिवार को सरकार द्वारा पुनर्वास नीति के तहत 2023 वर्ष मुआवजा राशि नहीं दिया गया, जिसके विरोध में कई समिति के लोग हक अधिकार के लिए आंदोलन में लगे हुए हैं। डूबी क्षेत्र में 116 गांव 84 मोजा के लोग दर दर भटक रहे हैं। 181.22 के लेवल के ऊपर जल भंडारण होने पर कई गांव डूब जाएंगे। चांडिल बांध डैम प्रशासक डिवीजन 2 के तहत आज 3 रेडियल गेट, 1-1 मीटर 3 गेट खोला गया। रेडियल गेट खोले जाने से खरखई और सोनेरेखा नदी में उफान उठ रहा है, जिसे कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर, आदित्यपुर, कपाली के साथ पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर आदि जगह प्रभावित होगा। जिस तरह लगातार ऊपरी क्षेत्र में बारिश हो रही है, उस कारण चांडिल डैम जलाशय में जल स्तर बढ़ा है, जिसे देखते हुए चांडिल प्रशासक द्वारा चांडिल डैम से प्रतिदिन 1-1 रेडियल खोलकर पानी का भंडारण 181.22 रखने की कोशिश में है, ताकि चांडिल डैम के किनारे बसे विस्थापितों को कोई समस्या उत्पन्न ना हो। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन ने एक बार फिर ट्रेलरों के भाड़े में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। शनिवार को टाटा कंपनी में होने वाले टेंडर में अगर किसी वेंडर ने कम रेट पर टेंडर उठाया तो इनके द्वारा कंपनी का पार्किंग गेट जाम कर आंदोलन किया जाएगा। एक वार्ता के दौरान यूनियन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज के तारीख में डीजल के दाम 100 रुपए हो गए हैं, साथ ही नए वाहनों में दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे में लोकल ट्रेलर के मालिकों को आज भी वर्षों पुराना रेट दिया जा रहा है। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने कहा कि कंपनी के कुछ वेंडर ऐसे हैं जो राज्य के भी नहीं हैं और बाहर से आकर यहां वे कम रेट में कंपनी से टेंडर उठा रहे हैं, जबकि उक्त रेट में उनका खुद का नुकसान है। उन्होंने कहा कि ये वैसे वेंडर है जो अपने काले धन को इस आड़ में सफेद करने में जुटे हैं। ऐसे में यहाँ के एक लोकल ट्रेलर मालिक अब इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कंपनी प्रबंधन को अपना मांग पत्र भी सौंप दिया है और कहा कि वाजिब रेट से अगर किसी वेंडर ने कम रेट में टेंडर उठाया तो इनके द्वारा एक बार फिर जोरदार आंदोलन किया जाएगा और इसकी पूरी जवाबदेही कंपनी के वेंडरों एवं कंपनी प्रबंधन की होगी। आज हम लोग अपना रेट डिसाइड करके यहाँ पर हम लोग टाटा स्टील के वेंडरों को भेजे हैं। जो भी यहाँ रेट तय होगा या हम लोग यूनियन तय करके देगा कि क्या क्या रेट यहाँ होना चाहिए लोकल का, उसका हम लोग तय करके वेंडर को कल भेज दिए हैं। और टाटा स्टील में जो भी काम वेंडर लेगा उसको हम लोग का रेट मानना होगा। दूसरी बात, पहली बात यह होगी, दूसरी बात यह होगी कि आज जो गाड़ी का कीमत हो गया 90,000 हम लोग किस्ती भर रहे हैं गाड़ी का, नए गाड़ी का कीमत 90,000 हो गया है। टाटा स्टील इस संज्ञान में ले कि वो कैसे 90,000 रुपये भर रहे हैं। गाड़ी का कमाई हो रहा 85,000 रुपया और 90,000 रुपया खाली किस्ती है, ड्राइवर पेमेंट अलग है, ये सब ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं टाटा स्टील में काम करके वेंडर। कुछ वेंडर ऐसे हैं कि जो ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं काम कम रेट में लेकर। ये सोचिए, इसका संज्ञान टाटा स्टील लेना चाहिए। टाटा स्टील में डिपार्टमेंट ऐसा ऐसा है वो संज्ञान ले सकता है। इस पर एथिक्स है आपका, परफॉर्मेंस है, कैसे काम देता है, इसमें टाटा स्टील को सोचना चाहिए कि हम कैसे कम रेट में काम दे रहे हैं। आज के रेट में सोचिए, टाटा नेक्सन CRM 12 में हम लोग को 1500 रुपये बचता है, एक टेम्पो वाले को 1500 नहीं बचता है। और हम लोग ट्रेलर इतना बड़ा ट्रेलर रख के हम लोग 1500 बचाते हैं, जिसमें हम लोग को टैक्स भरना है, फिटनेस भरना है, इंश्योरेंस भरना है, इसमें इसी कारण से हम लोग का टैक्स फिटनेस फेल हो जाता है। इसी में हम लोग MBI गाड़ी पकड़ता है, हम लोग कहाँ से करेंगे। सबको लेके हम लोग अपना रेट डिसाइड किए हैं और मिनिमम कम से कम रेट दिए हैं। इस रेट से कम में यदि काम लेगा तो हम लोग काम करने नहीं देंगे। उलीडी थाने से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित नेशनल इलेक्ट्रॉनिक के बगल में रहने वाले अजय कुमार यादव की निजी टाटा एस गाड़ी कल रात चोरी हो गई। अजय कुमार यादव अपने कार्य से आकर टाटा एस गाड़ी घर के बाहर डिमना मुख्य सड़क के किनारे लगाकर अपने घर के अंदर चले गए थे। सुबह जब वह सोकर उठे तो देखा कि उनके दरवाजे के सामने खड़ी टाटा एस गाड़ी गायब है। अजय कुमार यादव ने इसकी सूचना भाजपा नेता विकास सिंह एवं उलीडी थाना को दी। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने उलीडी थाना में जाकर CCTV कैमरे खंगालने की बात कही। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि रात्रि 12:40 पर चार चोर मोटरसाइकिल से राजस्थान धर्मशाला के समीप आकर रुके। उसमें से एक चोर रोड इस पार आकर मास्टर चाबी से आसानी से टाटा एस गाड़ी लेकर राजस्थान धर्मशाला के समीप अपने साथियों के पास रुकते हुए मानगो चौक की ओर भाग खड़ा हुआ। अजय कुमार यादव ने इसकी लिखित शिकायत उलीडी थाना में दी है। मैं रात में गाड़ी खड़ा किया 11 बजे के आसपास,
सुबह जब उठ के देखा तो गाड़ी वहाँ पे नहीं थी, तो थाने में आके कंप्लेन किए, FIR हो चुका है, अब थाना अपने अच्छे से काम कर रहे हैं। और जमशेदपुर में सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के द्वारा स्पेशल बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया गया, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने बच्चों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण कर बच्चों के साथ अपना समय बिताया। कदमा के गोपेश्वर मेमोरियल स्पेशल स्कूल ऑफ जॉय में सिंहभूम असंगठित कामगार यूनियन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने बच्चों के साथ मिलकर केक काटा और स्पेशल बच्चों को कुछ पल की खुशियां प्रदान की। वहीं मीडिया से बात करते हुए सुधा गुप्ता ने कहा कि यह पल मुझको काफ़ी भावुक कर रहा है, जहां मैं अब हर महीने आकर इन बच्चों के साथ अपना कुछ समय बिताऊंगी और ऐसे बच्चों को सरकारी मदद दिलाने का प्रयास करूंगी। और मैं बहुत भावुक हुई हूँ इधर आके, और मैं इसके लिए मैं मंत्री जी से विशेष बात करूंगी, जो भी मदद होगा सरकार की तरफ से या मंत्री जी की तरफ से उनको मदद दिलाऊंगी, और मैं विशेष भी इनकी कुछ जो भी मदद होगी मैं करूंगी। मैं हर महीना दो महीना में आऊंगी, खुद पर्सनली विजिट करूंगी, जो भी इनकी परेशानी है उस परेशानी को मैं दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। वही जमशेदपुर के तेलको थाना क्षेत्र के महानंद बस्ती से श्री श्री बाबा महेंद्रनाथ शिव मंदिर से स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर से निकली यह कलश यात्रा मंदिर परिसर से दोमहानी पहुंचकर पुनः मंदिर परिसर में संपन्न हुई। 18 अगस्त से शुरू हुआ स्थापना दिवस के कार्यक्रम का समापन 23 अगस्त को पूर्णाहुति व प्रसाद के साथ संपन्न होगा। प्रथम दिन स्थापना दिवस के अवसर पर बाजे गाजे के साथ मंदिर परिसर से महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने पारंपरिक परिधान के साथ कलश यात्रा में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ की आराधना, कलश यात्रा मंदिर परिसर से प्रस्थान कर स्वर्णरेखा दोमुहानी नदी के लिए कूच कर गया। दोमुहानी नदी से जल लेकर श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किए। बाबा महेंद्रनाथ मंदिर का आज हम लोग स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। ये मंदिर पहले से था और इस मंदिर को आज फिर से जीर्णोद्धार हम लोग करने जा रहे हैं, और आज हमारे कलश यात्रा महानंद बस्ती से लेके स्वर्णरेखा घाट तक जाएगी और वहाँ से लोग कलश भर करके ले आएंगे, और ले आने के बाद आज संत जी का जलाभिषेक होगा। इधर जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र का हाल भी इन दिनों बदहाल है। टाटा कमान एरिया के बर्मा माइंस ट्यूब गेट के पास जल जमाव से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। आए दिन राहगीर सड़क पर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, बावजूद इसके टाटा कंपनी या जिला प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जाना चिंता का विषय है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है। लोगों ने टाटा स्टील एवं जिला प्रशासन से अविलंब जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है, साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि सड़क पर बने गड्ढे दिनों दिन जानलेवा होते जा रहे हैं, जिससे बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे देखना यह दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन या टाटा समूह इस पर क्या पहल करती है। वैसे टाटा कमांड एरिया में सड़कों के ऐसे हालत क्यों है, ये सोचने वाली बात है। ये टूर कंपनी गोलचक्कर है और यहाँ पे काफी रोड पे मेन रोड है और ये काफी गड्ढा है, जाने जाने का बहुत ज्यादा समस्या हो गया है। इस कारण हमेशा यहाँ पे एक्सीडेंट और रोड जाम का कारण बना हुआ। क्या चीज़ है, पानी का निकासी क्यों नहीं हो रहा है? पानी का निकासी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उधर साइड गड्ढा है और गड्ढा और नाला है, कोई व्यवस्था नहीं है, पानी निकल नहीं पा रहा है और पानी नहीं निकलने के कारण रोड पे गड्ढा हो जा रहा है। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। Hi Jharkhand peoples, I'm Kaveri Singh from Delhi and I'm a permanent makeup artist. मैं आप लोगों के शहर आ रही हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए परमानेंट हेयर एक्सटेंशन, लैश एक्सटेंशन एज वेल एज मेकअप। तो जो लोग भी मुझसे सीखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो लोग अपने नंबर को और अपने नाम को रजिस्टर कराएं, आज ही टिकट्स बुक कराएं, ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूं आपके शहर में आके और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन और नई नई टेक्निक सिखा सकूं। थैंक यू। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।
केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर एक्टिवली केयर्स फॉर योर हेयर एंड गिव्स यू सैलो लाइक स्ट्रेट स्मूथ एंड शाइनी हेयर। योर हेयर योर वे फिलिप्स। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 06572320075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बिष्टुपुर स्थित जीआरडी प्रांगण में केरला पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में 2 दिवसीय CISCE जोनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित जीआरडी प्रांगण में KPS की ओर से 2 दिवसीय CISCE जोनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में शहर के 22 स्कूलों के 310 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मेरा नाम है दीपक है, मैं केरला प्रांगण का स्पोर्ट्स टीचर हूँ। मैंने अभी हमारा जो 2 दिन का जोनल बैडमिंटन टूर्नामेंट होने जा रहा, आज पहला दिन है। 22 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 310 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त ने मनरेगा की समीक्षात्मक बैठक की। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त मनीष कुमार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा व आवास योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े, वहीं DRDA के जिला स्तरीय टीम बैठक में मौजूद रही। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत सभी प्रखंडों को निर्देश दिया गया कि पौधों की आपूर्ति हेतु अविलंब आदेश निर्गत किया जाए। आम के पौधे की आपूर्ति कराते हुए वृक्षारोपण शुरू करना है। गुड़ाबांधा, डुमरिया एवं पोटका के पदाधिकारी ने बताया कि संबंधित आपूर्तिकर्ता कृषि भंडार चायबासा द्वारा मटेरियल का सप्लाई अब तक सभी स्थानों पर नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रखंडों को सप्लायर को पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया। सावन माह के 7वें सोमवारी यानी आगामी 21 अक्टूबर 2023 को मानगो गांधी मैदान में आयोजित होने वाले विराट भजन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर शिरकत करेंगी। इसकी जानकारी जय महाकाल सेवा संघ ने एक वार्ता के दौरान दी। जानकारी देते हुए जय महाकाल सेवा संघ के मुख्य संरक्षक नीरज सिंह ने बताया कि इस भजन संध्या कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर, भजन गायक सुनील छैला बिहारी और भजन गायिका देवी अपने भजनों से बाबा भोले के भक्तों को झुमाएंगे। कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए नीरज सिंह ने कहा कि संघ की ओर से 400 फुट लंबा जलरोधक पंडाल बनाया गया है, जिसमें लगभग 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही दर्शकों को भजन संध्या देखने में किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए 40 फुट की LED, साथ ही पंडाल के बीच में भी 2 LED स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। वहीं 30 फुट की आदि योगी की प्रतिमा और बर्फ से बने बाबा बर्फानी की प्रतिमा कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण रहेगा। पूरे पंडाल और बाहरी हिस्से सुरक्षा को देखते हुए CCTV कैमरा लगाया जा रहा है। वहीं 20 अगस्त को मानगो बड़ा हनुमान मंदिर में रुद्राभिषेक और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। लोगों से मेरा आग्रह है, अपील है कि इस भजन संध्या में लोग आए और इस भव्य भजन संध्या का आनंद उठाए। कौन मुख्य रूप से जो शहनाज अख्तर है और छैला बिहारी और देवी जी है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी में अध्यक्ष पद को लेकर पिछले 15 अगस्त से विवाद प्रारंभ हुआ। प्रथम गुट वर्तमान कमेटी गणेश वर्मा को अध्यक्ष पद के समर्थन दे रहे हैं, वहीं कमेटी को भंग करते हुए नए कमेटी के अध्यक्ष समीर कुंडू के समर्थन को लेकर विवाद शुरू हुआ।
वहीं पुराने अध्यक्ष गणेश वर्मा को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा था। सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए झामुमो के केंद्रीय सचिव पप्पू वर्मा, पूर्व जिला परिषद ओम लायक, बीजेपी सांसद प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान गांगुडी बोनू सिंह सरदार, ग्राम प्रधान कदमडी मनोज राय, बजरंग दल अखाड़ा के अध्यक्ष मनोज सिंह सहित सैकड़ों लोग अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा के समक्ष विवाद को सुलझाने की अपील की गई। वहीं रंजीत लोहरा के निर्णय को मानते हुए विवाद को सुलझाते हुए समीर कुंडू को सर्वसम्मति से सार्वजनिक पूजा कमेटी कदमडी का अध्यक्ष की घोषणा की गई। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा ने सभी ग्राम वासियों से अपील किया कि दुर्गा पूजा को विवाद के बीच नहीं बल्कि खुशियों के त्यौहार के रूप में मनाएं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10,000 प्रशिक्षुओं के बीच ऑफर लेटर का किया वितरण। चांडिल बांध डैम प्रशासक डिवीजन 2 के तहत 3-3 रेडियल गेट 1-1 मीटर खोले जाने से खरखरी और सोनेरेखा नदी में उठ रहा उफान। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन ने एक बार फिर ट्रेलरों के भाड़े में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर आंदोलन करने की घोषणा की। और डिमना मुख्य सड़क किनारे खड़े टाटा एस गाड़ी की हुई चोरी, पुलिस जांच में जुटी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।